क्वेश्चन नंबर 19, दो सोर्सेज दिए हैं S1 और S2, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, और एक्सपेरिमेंट जो है वो वाटर के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों सोर्स के बीच की डिस्टेंस गिवन है, स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस गिवन है, और सब लैम्डा गिवन है। मींस विड्थ वो किसके बराबर होती है, डी अपॉन स्मॉल डी। वेवलेंथ इन वाटर निकालनी हो तो वेवलेंथ इन फ्री स्पेस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 4/3। क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ, हम मान लेंगे अपनी तरफ से। तो डी की वैल्यू जो है 48 सेंटीमीटर दी हुई है, स्मॉल डी जो है 0.28 दिया हुआ है, 0.28 (10⁻³). लैम्डा जो है 700 दिया हुआ है, 700 नैनोमीटर दिया हुआ 10⁻¹। म्यू की वैल्यू जो है 4/3 है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 100 चला जाएगा, 10⁻¹, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁶ हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना, (7^28, 16^48, 3^9, 10⁻⁴), ये मीटर में आएगा। मिलीमीटर में बनाना तो 9 × 10⁻¹ मिलीमीटर, वो किसके बाद 0.9 मिलीमीटर। ये हमारी क्या हो जाएगी, फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। वाटर के अंदर जो फ्रिंज विड्थ है वो कितनी होगी, 0.9 मिलीमीटर होगी।